Welcome to Submission School of Learning. I hope you all are fine at your home. Today we are going to read lesson first of our NCERT book, that is Three Cushions. In this lesson, we will read about the king who has three cushions and the king was seeking answers for them. इस लेसन में हम उस राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसके तीन सवाल थे और जो इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। इसी लेसन में हम जानेंगे कि वे क्वेश्चंस क्या थे, वे सवाल क्या थे और क्या राजा को उन सवालों के जवाब मिल पाए। तो बच्चों हम शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट, थ्री क्वेश्चन, तीन सवाल। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक बार एक राजा के दिमाग में एक बात आई कि अगर वो तीन सवालों के जवाब जान जाए तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकेगा। कोई राजा है जिसके दिमाग में ये बात आई कि अगर वो तीन सवालों के जवाब जान ले तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकेगा। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन बातें ये थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम शुरू करने का सही वक्त क्या है। दिस वॉज हिज फर्स्ट क्वेश्चन, उसका पहला सवाल था कोई भी काम शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। Which people should he listen to? उसका second question जो था वो ये था कि उसे किस तरह के लोगों की बातें सुननी या माननी चाहिए। Third question was, what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे खास बात क्या है, सबसे खास मुद्दा या खास मसला क्या है। यहाँ पर तीन सवाल हैं जो राजा के दिमाग में चल रहे हैं। पहला ये कि कोई भी काम शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। दूसरा सवाल था कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तीसरा सवाल था कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसे उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम Promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. इसीलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को अपने पूरे राज्य में भेजा ताकि वो ऐसे व्यक्ति का पता लगाएं जो कि इन तीनों सवालों का सही जवाब दे। राजा ने साथ में यह भी घोषणा की कि जो भी इस सवाल का सही सही जवाब देगा उसे राजा एक बहुत बड़ा अमाउंट गिफ्ट करेगा। Many wise men came to the king. But they all answered his questions differently. कई बुद्धिमान लोग, समझदार लोग राजा के पास आए क्योंकि राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा था। तो कई लोगों तक जब ये मैसेज पहुंचा, तो वो कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आए पर उन्होंने राजा के सवालों के अलग अलग जवाब दिए। सभी का एक अलग जवाब था हर एक क्वेश्चन को लेकर। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. अब देखिए पहले सवाल के जवाब में, पहला सवाल क्या था, what is the right time to begin something, कुछ भी काम शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। इसके जवाब में कुछ ने कहा कि king must prepare a timetable, king को, राजा को एक timetable बनाना चाहिए and then follow it strictly, और उस timetable को strictly follow करना चाहिए। Could he do everything at its proper time? और इसी तरह से राजा अपना हर काम proper time पे कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि ये तो impossible है कि हम पहले से decide कर लें, advance में decide कर लें कि किसी भी काम करने का सही समय क्या होता है। The king should notice all that was going on. हमें नोटिस करना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है।
किंग को ये नोटिस करना चाहिए कि उसके आसपास क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ ने कहा कि राजा को उस समय जो सही लगे, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो करना चाहिए। कुछ और लोगों ने ये कहा कि राजा के पास एक बुद्धिमान लोगों की, वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की काउंसिल होनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों का दल होना चाहिए जो कि उनकी हेल्प करे जब ऐसा वक्त आए जब उन्हें कोई डिसीज़न लेना पड़े। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये इसलिए है, एक काउंसिल की ज़रूरत इसलिए है, मंत्री दल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि उसे क्या करना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। उस व्यक्ति को, राजा को, दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ठीक है या क्या डिसीज़न लेना चाहिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स दैट कुड बी अर्जेंट। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती है, जिनमें अर्जेंट डिसीजन लेना पड़ते हैं और ये चीज़ वेट नहीं कर सकती कि हम किसी काउंसिल के पास जाएं, बुद्धिमान लोगों के समूह के पास जाएं और उनसे सलाह लें। राइट टाइम, चीज़ों के राइट टाइम का डिसीज़न जो होता है वो बहुत जल्दी लेना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा मौका आता है और सही समय पर काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम फ्यूचर देख सकें। जब हम फ्यूचर देख पाएंगे तो हम सही डिसीज़न ले पाते हैं कि हमें वो काम कब करना है, राइट टाइम डिसाइड कर पाते हैं। और लोगों ने कहा कि ऐसा तो सिर्फ जादूगर कर सकते हैं, जादूगर भविष्य देख सकते हैं। तो कुछ लोगों की सलाह ये थी कि राजा को मजिशियंस के पास जाना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, है ना। किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ और सलाह दी, किसी ने कहा मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, किसी ने कहा कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए। मतलब हर किसी ने अपना अपना अलग अलग व्यू रखा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अदर सेड द प्रीस्ट्स। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर की जब बारी आई, सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं जिनकी बात राजा सुने या माने। तो इसके जवाब में कुछ का कहना था कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं उसके काउंसलर्स, उसे सलाह देने वाले। कुछ ने कहा कि जो पुजारी होते हैं वो। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, वो सही बता सकते हैं राजा को। और कुछ ने कहा कि उसके सैनिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और तीसरे सवाल पर, तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल ये था कि राजा को किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। तो तीसरे सवाल पर किसी का जवाब था साइंस, कि साइंस के क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करना चाहिए, साइंस के लिए बहुत वर्क करना चाहिए। कुछ ने कहा कि फाइटिंग, अपनी जो सैनिक है, अपनी जो आर्मी है, उस पर ज़्यादा वर्क होना चाहिए। और कुछ ने कहा कि धार्मिक कार्यों में, रिलीजियस वर्शिप पर उसको ध्यान देना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब चूंकि हमने देखा कि हर एक क्वेश्चन के अलग अलग जवाब उसे मिले और वो जवाब में से कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जिससे राजा सेटिस्फाई हो, राजा को ठीक लगे, एक भी जवाब ऐसा नहीं मिला। हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन के कई जवाब आए, है ना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सेकंड क्वेश्चन के भी कई जवाब आए, किसी ने कहा काउंसलर इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा प्रीस्ट की बात सुनना है, किसी ने कहा डॉक्टर की। थर्ड क्वेश्चन का भी ऐसे ही आंसर मिला। तो राजा ने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसके बजाय राजा ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट
की सलाह लेगा। हर्मिट मतलब होता है एकांतवासी या सन्यासी, जो दुनिया छोड़ करके एक अलग जगह रहते हैं और ईश्वर भक्ति में अपना वक्त लगाते हैं, उन्हें हर्मिट कहा जाता है। इन हर्मिट को अपने विजडम के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उन्होंने सोचा कि मैं उनसे ही सलाह लूँगा। राजा ने सोचा कि मैं अब लोगों से तो मुझे अलग अलग जवाब मिल रहे हैं और एक भी जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो मैं अब एक हर्मिट हैं जो कि जाने माने हैं, जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत जाने जाते हैं, उनसे सलाह लूँगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। चूँकि हर्मिट एक जंगल के बीच में रहते थे और वो वहीं पर रहे हमेशा, वो जगह उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, और वो बहुत सिंपल लोगों से ही मिला करते थे, इसीलिए राजा ने भी बिल्कुल सिंपल से ऑर्डिनरी से कपड़े पहने, और वहाँ पहुँचने से पहले, हर्मिट के हट के पास में, उनके झोपड़ी के पास में पहुँचने से पहले, राजा ने कहीं दूर ही अपना घोड़ा छोड़ दिया। अपने बॉडीगार्ड्स जो राजा को गार्ड करते हैं, जो सिपाही जो सैनिक होते हैं, उनको भी वहीं पर रुकने का कहा और अकेले ही वो हर्मिट से मिलने गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास में पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो जो हर्मिट थे वो कुछ खुदाई कर रहे थे, ज़मीन को खोद रहे थे। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. उन्होंने राजा का स्वागत किया और अपना खुदाई का काम कंटिन्यू करते रहे। हर्मिट बूढ़े थे और कुछ कमज़ोर भी हो गए थे, चूँकि वो काम कर रहे थे तो उनकी सांस भी तेज तेज चलने लगी। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि राजा तीन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, और कई लोगों से जवाब लेने के बाद भी जब उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो वो एक हर्मिट के पास पहुँचे हैं, जहाँ पर वो हर्मिट के हट पर पहुँचे हैं, उनकी झोपड़ी के पास में पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो कुछ खुदाई कर रहे हैं और वो बहुत बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं। राजा वहाँ पर एक सिंपल आदमी बन के गए हैं, अपने सिंपल से कपड़े पहनकर, घोड़े को और अपने सिपाहियों को दूरी पर खड़ा करके। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इस लेसन में और आगे क्या क्या होता है।